अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम मिल्क केक कह लें, पुडिंग कह लें, वो मैं बना रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त। अगर अच्छा व्यूअर्स, मैंने एक ये पैन ले लिया है और मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, और मेरे पास ना ये 1 लीटर का पैक है, इसमें से मैं ना 1/2 लीटर दूध ले लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फुल फैट दूध है मेरे पास, रेगुलर जो हम घरों में यूज़ करते हैं। अच्छा अभी बस देखिए, मुझे ना 2-3 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चेक करेंगे, दूध अभी हमारा गर्म हो रहा है। और ये मैंने ना 2 टेबल स्पून जो है ना वाइट चीनी ले ली है। ब्राउन मैंने इसलिए यूज़ नहीं की कि हमारे दूध का कलर जो है ना हमें वाइट ही चाहिए। ये मैं मिल्क केक बना रही हूँ। अच्छा अभी बस ये मैंने 1 कप ले लिया है, और ये मेरे पास ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना पुडिंग वैनिला है मेरे पास ना, ये मैं यूज़ करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ना इसमें 3 टेबलस्पून डालूँगी, और थोड़ा सा मैं दूध ले लूँगी, उतना ही मैं दूध लूँगी जिसमें ये ना आसानी से मिक्स हो जाए। अभी मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाली है, अभी मैंने 2 और डालनी है। पहले मैंने कहा मिक्स कर लूँ ताकि लम्स वगैरह ना बने अच्छी तरह ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ साथ हमारे दूध का भी बॉयल आ रहा है। अच्छा व्यूअर्स, मैंने इसमें ना 2 टेबलस्पून और डाली है, और हम ना हल्के हाथ से इसके मिक्स करते हुए ना अच्छी तरह, जो हमारे लम्स वगैरह ना बने अच्छी तरह मैं इसे मिक्स कर दूंगी। अच्छा भी बस देखिए, मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून और डाला है, जो पुडिंग पाउडर है वो मैंने और डाला है। और ये मैंने ना 2 बाउल ले लिए हैं। अगर हमारा इसमें सेट हो गया, हमारे दूध का हिसाब होगा, अगर इसमें कम हुआ तो फिर मैं जब ना इसको ऊपर तक फुल करके भरना है, नहीं तो फिर मैं इसमें सेट कर लूँगी इसे। आ रहे हैं, और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून और जो है चीनी डाली है, और ये मैं अब इसमें हल्के हाथ से डालती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसे हिलाते जाएंगे, बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह मिक्स करती जाऊँगी। फ्लेम मेरा दरमियान है। अच्छा भी बस देखें, मैंने जो है ना फ्लेम में ऑफ़ करने लगी हूँ। ये 2-3 मिनट में हमारा जो है ना तैयार हो गया, और मैं अब देखती हूँ इसको मैंने किस बर्तन में सेट करना है। अच्छा भी बस देखें, ये मैं ना इस वाले में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हमारा आ जाएगा। ये थोड़ा बड़ा बाउल है, अच्छा भी बस मैंने इस वाले बाउल में से पोर कर दिया, और मैं इसे ना फ्रिज में रखूँगी। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। फिर मैं 1 घंटे बाद फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। अगर आपके घर में व्यूअर्स मेहमान आ गए हैं, आपको कोई समझ नहीं आ रहा कि जल्दी में हमने मीठे में किया बनाना है, तो आप ये ना मिल्क केक बना सकते हैं। बहुत जल्दी बनता है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं इसे। इसमें आप कोई फ्रूट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ ये दूध से बनाया है, और ऊपर हम थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह लगा के इसको थोड़ी खूबसूरती कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। हमारा मिल्क केक भी कह सकते हैं इसे, पुडिंग भी कह सकते हैं, जो हमारे मिनटों में 5 मिनट में तैयार हो गई है। तो मैं ना 1 घंटा इसको फ्रिज में रखें, और मैं इसको ना ये प्लेट में निकालेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे प्लेट रख लूँगी, और ऐसे ना मैंने ना इस पर थोड़ा सा चॉकलेट सीरम डाला है, और हम ऊपर खूबसूरती के लिए स्ट्रॉबेरी रखेंगे। आप इसके ना जब हम लोग इसे
पका के और किसी भी बाउल वगैरह में डाल रहे होते हैं ना, अंदर भी हम लोग ना इसके फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैंने इसको जो है चॉकलेट के साथ की है गार्निश और स्ट्रॉबेरी के साथ। अच्छा भी बस, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं।